हो गया गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग हो गया, अभी दांत ब्रश कर रही हूं। अच्छा है, तुम्हारा वो भी नहीं हुआ? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ये सुनहरी सुबह। वो देखिए गिर गया। बनाना। हाँ लेकिन वो होगा नहीं ना। और नहीं होगा। हाँ कोई खा नहीं पाएगा, खड़ा हो गया। जब रात को सोती हूँ ना एवरी डे मैं आके बोलती हूँ कि 9 बजे के अंदर हमें न्यू टाउन पहुंचना है, 9 बजे के अंदर हम जगते ही है 9:30 बजे। इतना ठंड है यहाँ पे, तो अभी चाय पियेंगे यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे सुबह सुबह। मिथुन को जब तक चाय नहीं मिलता मिथुन का सुबह नहीं होता। मिथुन ऐसे घूमता रहता है इधर उधर, भटकता रहता है कि चाय दे दो, कोई चाय दे दो। फर्स्ट उसके पेट में अगर कुछ जाता है तो चाय, पानी के बाद चाय, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडा क्या आज मैंने भालो ठंडा पड़े अच्छे, और तार पर फैच फैच कर भी ठंडा ते। ये माँ पूरो चाटा मर गया लो, देखो। इसको चलने से दारा तो भैया दी, चामच दीजिए। हाथ तेरे स्लीप खेल रहा। नहीं नहीं तो प्यार एक ग्रुप खूब दोनों बिस्किट। बिस्किट खा रही हो या पायस खा रही हो? दोनों ही। ये नया रेसिपी आज तुमने शेयर किया, पायसम रेसिपी। चलो अभी जाने का टाइम हो चुका है तो अभी हम चलते हैं। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, चलते हैं फिर मिलते हैं। की फेले छो जूतोटा फेले छी ओ पसंद नहीं है जी फेले पड़े छे। अभी एयरपोर्ट के आसपास हूं तो सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, आप कार में ट्रैवल करो और अर्ली मॉर्निंग तो और भी अच्छा लगता है। नहीं कहीं जाए? हाँ जहाँ पे मन करे चलो। ये सैटरडे संडे कहीं घूमने जाते हैं। चाटे की 10 टका रुपए का नीचे ना 5 टका। हाँ वही है। अरे गुर गई जबी 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 जबी। अरे दादा आज ऑस्कर दादा। ঠিক আছে তুমি এদের দাও না। যা যা ওইদিকে আছে আরো কিছু। এই জিনিসগুলোই হচ্ছে প্রবলেম, একটা আরেকটাকে ইয়ে করে। দিয়ে দাও ওখানে, দিয়ে দাও ওখানে, দিয়ে দাও। দাও ওকে, দাও ওকে, দাও। কচিটা গুঁড়ো ছাড়া খেতে পারছে না। তো অ্যাকচুয়ালি ইসে কহতে সুখী জিন্দগি। जब आप घर आए उसके बाद जब गर्मा गर्म चाय आपके लिए वेट कर रहा हो तो इसे कहते हैं सुखी जिंदगी, वो भी ठंड के ठंडी ठंडी हवा में। वेयर इज माई सियाल ऑस्कर, माई सियाल ऑस्कर। अभी देखो अभी ऑस्कर ऑस्कर नहीं रहा, अभी ऑस्कर बन गया है लोमड़ी ऑस्कर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देखिए। अरे 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 कोथाय पाली जाच्छे, कोथाय पाली जाच्छे आबार। सुबह का जो फर्स्ट चाय है वो तो पी नहीं पाई, वो एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ, तो एक्सीडेंटली वो बिस्किट गिर गया वहां पे, वो खाया नहीं जा रहा था। चाय का ये जो आवाज है वो वाला आवाज आपको कैसा लगता है? लोगों को अच्छा नहीं लगता पर चुस्की बोलता है, चुस्की बोलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में वो वाला अगर आवाज नहीं आता तो चाय पीने का मजा नहीं आता, अपने आप हो जाता है। मैं भी कभी कभार छुपाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार मैं भी छुपाने की कोशिश करती हूँ पर छुपता नहीं है, कैमरा में प्रॉपर आवाज आ जाता है। आपको अभी इतने दिन का मेहनत दिखाते है। ये देखो हमारे घर में फर्स्ट टाइम फल, सिर्फ फल नहीं मेहनत का भी फल और पेड़ का भी फल। आज मैं जब खाना खाऊंगी ना
जो भी आज लंच में बनाऊंगी उसके साथ एक मिर्ची तो जरूर लूंगी। ये भी तो हमारा मेहनत का फल है। कितना मेहनत से तुझे इतना बदमाश बनाया है। चल 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 चल, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ा। एक्चुअली प्रॉब्लम जो हो रहा है वो है आर्यन का एडमिशन टेस्ट के लिए। वो कब है अभी तक कंफर्म नहीं किया, नेक्स्ट वीक में होगा ये बोली। जब एडमिशन टेस्ट लेना चाहते थे वो लोग तब न्यू टाउन स्कूल में था आर्यन का एग्जाम, तो उस टाइम में एडमिशन नहीं दे पाते। और अभी जब उसका एग्जाम खत्म हुआ तब एडमिशन के लिए अभी जो टीचर एडमिशन लेने वाले थे उनका भी तबीयत खराब है, तो जस्ट आज ही बात हुआ तो बोले थे कि नेक्स्ट वीक। बैंगलोर से जब कोलकाता आई थी तो बहुत ज्यादा खुश थी। इतने साल बैंगलोर में रहने के बाद भी बहुत ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि लगा रहा कि चलो 8-10 साल बाद अपने फैमिली के पास रहूंगी, सारे फेस्टिवल्स एक साथ मनाएंगे, बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर लास्ट एक साल से बहुत सारी चीजें सीखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे सबक मिला है लाइफ में। तो अभी जबकि कोलकाता छोड़ के जा रही हूँ, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि चलो फिर से वो वाला लाइफ लीड करेंगे जहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, जहाँ पे बस हम थे, हम सिर्फ तीन, पर लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ था। पर कहीं ना कहीं कोलकाता छोड़ के जा रही हूँ इस बात का बहुत ज्यादा दुख है, बिकॉज यहाँ पे जो भी है मेरे मामा के घर और मेरे मासी के फैमिली के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही ज्यादा ये है, क्योंकि बचपन से यहाँ पे ही पली बड़ी हूँ, यहाँ पे बड़ी हुई हूँ। मेरे हर एक मुश्किल में वो लोग मेरे साथ थे, हर एक मेरे खुशी का टाइम उनके साथ शेयर किया है। तो जो भी हो उनको छोड़ के जा रही हूँ इस बात से बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ। मेरे सासू माँ के गुजर जाने के बाद मेरे मासी, मतलब मासी सास, हमारे लाइफ में मासियों का वैल्यू बहुत ज्यादा है। आना जाना इतना नहीं होता क्योंकि मासी के बाप पे 3 दिन डॉग को छोड़ के मासी इतना भी आ नहीं पाते, पर सबको छोड़ के जा रही हूँ। अभी फेस्टिवल फिर से हम तीनों शायद एक साथ मनाएंगे, बट स्टिल लाइफ में शांति था। यहाँ पे आने के बाद वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था, पर अभी जबकि टाइम हुआ है ये कोलकाता छोड़ने की तो बहुत ज्यादा दुख होता है। अब जब रात में मैं सोती हूँ ना तो बस सोचती हूँ कि अभी 1 महीने बाद हम कहाँ पे रहेंगे, इस तरह से सोए हुए रहेंगे, पर ऐसा एक जगह पे जहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। छोड़ो वो सब, छोड़ना तो वैसे ही पड़ेगा चीज वो नहीं है, पर हाँ आने के टाइम में बहुत ज्यादा खुश थी, जाने के टाइम में बहुत सारे यादें और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जा रहे। बट तुम्हारे लिए पीठा पीठा और मोचक, अरे तुम्हारे पीठ में पीठा नहीं, ये मुंह में पीठा, तुम्हारे लिए पीठा और ये वो मोचक। ये मोचक ना एक्चुअली मिथुन और मुझे बहुत पसंद है, तो मौसा जी लाए थे तो ये भेज दिया। खाओ खाओ, ये भेज दिया, पता नहीं वो बर्तन के अंदर था। खाओ केक? नहीं नहीं नहीं, नहीं सुबह खाया। खा क्या है? ओके ऑस्कर, ना 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 ना, लास्ट कुछ दिनों से तुमने बहुत मीठा खाया माँ बाप के शादी के खुशी में। और अभी आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो पता है ये क्या है? ये है चितल माछर मुईठा, जो मुईठा बनाते ना चितल माछर मुईठा, वो रॉ ऐसा ही दिखता है, मतलब इसे गर्म पानी में बिल्कुल बना के रखा गया है। अब इसे कट करके फ्राई करके फिर कड़ी में डालना है, बस हो जाएगा। और इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना इसमें से, हल्का हो जाता है और बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है अंदर, बहुत ही टेस्टी होता है। मिथुन क्या आज बना है? मासी बना के रखा है ये चितल माछर मुईठा, क्या खाना है आज? तो मैं कड़ी बना के मैं इसको ये डाल सकती हूँ। बना लो। नहीं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि 2 सब्जी कल का है, तो फिर छोड़ दो, जो तुम्हें मन करे मैं बना सकती हूँ। छोड़ दू? श्योर लॉक कर दू? लॉक कर दो। ओके, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोला है आर्यन को, आर्यन प्लीज तू मुझे काम करने दे, तू कार्टून मत देख। जब भी कार्टून वो देखता है ना तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता, लगता है यहाँ पे सोफे पे पड़े पड़े पूरा कार्टून मैं कंप्लीट करूँ तो क्या करे, मम्मा भी बैठ जाए, काम छोड़ दे, काम छोड़ दे मम्मा। अच्छा मिठुन जब घर आता है तो वो बस अपना टीवी ऑन करके बैठ जाता है, जबकि पता है कि मुझे टीवी देखना कितना अच्छा लगता है, टीवी मूवी कोई भी लैंग्वेज में हो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और जब मिथुन ऑफिस जाएंगे तब ये आर्यन कार्टून छोड़ के बैठ जाएगा, और उसे अच्छे से पता है कि मम्मा मूवी से भी ज्यादा पसंद करती है कार्टून देखना, फिर भी वो ऐसे चलाएगा। अब बोलो अभी किसी का काम करने का मन करता है? तो फिलहाल तो मैं भी रखती हूँ, पहले कार्टून देख लेते हैं, और शिनचैन मेरा बहुत फेवरेट है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पीना है? ये पीना है? हाँ तुम्हें तो आजकल सब कुछ पीना होता है, जो भी घर में होता है वही ऑस्कर को पीना होता है, चाहे दादा भाई का चीज हो या डैडा का या मम्मा का। ठीक है कोई बात नहीं, इसका टेस्ट कैसा है ये तो दादा भाई बताएगा। अभी 4 बज चुके हैं और अभी मैं पीऊंगी 1 कप कॉफी। वैसे लिक्विड मिल्क से भी पाउडर मिल्क में
कॉफी बनाना ज्यादा इजी रहता है। बस एक ऐसा इलेक्ट्रिक केटल में आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लो, उसके अंदर पाउडर मिल्क और कॉफी दोनों ही डाल दो, थोड़ा सा शुगर अगर आप ले तो डाल सकते, एक साथ में ऐसे मिक्स कर लो, बस हो जाएगा। अगर लिक्विड मिल्क हो ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। ठंडा दूध मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि कॉफी भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे है हमारा कॉफी, यहाँ पे हम रखते हैं हमारा कॉफी। अभी हमें गर्म करना है पानी। सबसे पहले हमें डालना है थोड़ा सा शुगर और ये ब्राउन शुगर है, फिर डालना है कॉफी और मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पीती हूँ तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही कॉफी ऐड करती हूँ, फिर चाहिए मिल्क पाउडर और लास्ट में पानी। तो रेडी है मेरा कॉफी और मिथुन गए हैं ऑफिस, तो ये कॉफी जो है ये मैं अकेले पीऊंगी। और आज का शाम ये कॉफी का नाम। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय। I think I like it how it is.